श्रीफल न्यूज की प्रस्तुति श्रीफल जीन पाठशाला, नई पीढ़ी में जैन संस्कारों का बीजारोपण कर उसे पोषित करने हेतु सहज ज्ञान शाला श्रीफल जीन पाठशाला। इसमें आप मिलेंगे जैनी दीदी से, जो हर शनिवार रविवार एक नए पाठ के साथ आपको धर्म से जोड़ने का प्रयास करेंगी। जय जिनेंद्र, मैं जैनी श्रीफल जीन पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली पाठशाला में हमने तीर्थंकरों के गर्भ व जन्म के समय के अतिशयों को जाना था। अब हम आगे के अतिशय जानेंगे। आज का पाठ तीर्थंकर परिचय। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक। तीर्थंकर जन्म से ही मति, श्रुत और अवधि तीन ज्ञान के धारी होते हैं। वो स्वयं समस्त लोक के गुरु कहलाने वाले होते हैं, सो वो किसी को अपना गुरु नहीं बनाते, वे केवल सिद्ध भगवान को ही नमन करते हैं। तीर्थंकर बालक स्वरूप में रत्न धुली में देव बालकों के साथ क्रीड़ा कर माता पिता को आनंद देते हैं। वह स्वर्ग के सप्त पिटारों से लाई गई भोगोपभोग सामग्री का गृहस्थाश्रम में उपभोग करते हैं। निमित्त या स्वभाववश जब उन्हें वैराग्य उत्पन्न होता है, तब लोकांतिक देव आकर भगवान के वैराग्य की स्तुति करते हैं। वन की ओर प्रस्थान करते समय देवों द्वारा लाई गई पालकी में ही वे आरूढ़ होते हैं। पहले राजगण फिर विद्याधर मनुष्य उस पालकी को ले जाते हैं। उसके पश्चात देवगण पालकी को दीक्षावन तक ले जाते हैं। वहां शुद्ध शिला पर विराजमान होकर भगवान पंचमुष्टि केशलोच करके सर्व परिग्रह त्याग ओम नमः सिद्धभ्येंत कहते हुए दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। भगवान के केशों को इंद्रगण रत्न पिटारे में रखकर क्षीर समुद्र में क्षेपण करते हैं। भगवान दीक्षा से केवल ज्ञान होने तक छद्मस्थ अवस्था में मौन रखते हैं। जब ध्यान के प्रभाव से उनके घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, तब उन्हें तीन लोक और अलोक को स्पष्ट एक समय में प्रत्यक्ष दिखलाने वाला ऐसा केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इस समय भगवान का आकाश में 5000 धनुष ऊपर गमन होता है और फिर समव शरण में उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। केवल ज्ञान प्रकट होने पर तीर्थंकर के 10 अतिशय और प्रकट हो जाते हैं, साथ ही देवकृत 14 अतिशय, अष्ट प्रतिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय भी प्रकट होते हैं। भगवान बहुत काल तक धर्मोपदेश देते हुए विहार करते हैं, फिर अनंतर योग निरोध कर शेष अघातीय कर्मों का भी नाश कर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और मोक्ष के बाद अनंतानंत काल तक स्वात्मजन्य सुख का अनुभव करते रहते हैं। तीर्थंकर को केवल ज्ञान के 10 अतिशय। चारों तरफ 100-100 योजन सुभिक्ष होना, दुर्भिक्ष नहीं होना। सामान्य पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर आकाश में गमन। समव शरण में चारों ओर भगवान का मुख दिखना। हर जीव का दया भाव से भर जाना, जैसे सर्प नेवला आदि एक साथ रहना। किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं होना। कवलाहार नहीं लेना, ग्रास वाला आहार। समस्त रिद्धि सिद्धियों का स्वामी होना। नख और केशों का नहीं बढ़ना। नेत्रों की पलकों का नहीं झपकना। शरीर की परछाई नहीं पड़ना। तीर्थंकर के अन्य अतिशय और उनसे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें अगली पाठशाला में। आज के लिए बस इतना ही। अगली पाठशाला में फिर मिलेंगे। तब तक चिंतन मनन और स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र। प्रस्तुति आकांक्षा पाटनी, संचालन श्रीफल न्यूज।